यह सामने बैठी जो महिला फोटो देखकर सुबक रही है वह उसका पति था। इस महिला का पति दुर्भाग्य से अध्यापक था और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य कि इसे जबरिया चुनावी ड्यूटी में गैर जनपद भेज दिया गया था। 25 मार्च को ही इस मृतक की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसका 5 माह का गर्भ पेट में ही खत्म हो गया था। बच्चे की मृत्यु और पत्नी के ऑपरेशन की दुहाई देकर शिक्षक नीरज गुप्ता अपने अधिकारियों को ड्यूटी न लगाने की दुहाई देता रहा, वह गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कुर्सी की ठसक में पगलाए अफसरों ने उसकी एक न सुनी। 29 मार्च को उसे बहराइच के एक विद्यालय में भेज दिया गया ड्यूटी बजाने। 4 दिनों तक वेंटिलेटर में रहने के बाद 30 अप्रैल को अध्यापक नीरज गुप्ता की मौत हो गई। उनके फेफड़ों में 80% संक्रमण पाया गया था। नीरज के घर में बुजुर्ग माता पिता, एक विकलांग चाचा, पत्नी और 6 साल का छोटा बच्चा भी है। माँ के साथ बैठा ये मासूम क्या कह रहा है गौर से सुनिए, इसकी बात आपका हृदय भी पिघला सकती है। आपका क्या नाम है बेटा? विवेक गुप्ता। आप किस क्लास में पढ़ते हो आप? यूकेजी फर्स्ट। आपके पापा का क्या नाम है? नीरज गुप्ता। क्या करते थे वो? धोती। क्या करते थे? टीचर थे। बेटा क्या हुआ आपके पापा को? मेरे पापा को खिलौना हो गया। कैसे हो गया? चुनाव लग गया इसीलिए पापा को खिलौना हो गया। उनको मटपुली में स्कूल जाना पड़ा, इससे जाना पड़ा। अगर वो ना नहीं जाते तो फिर कमा के कौन लाता, इसे उनको जाना पड़ा, इसे उनको खिलौना हो गया। इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी दिवंगत नीरज गुप्ता पर ही थी। इतिहास गवाह रहा है कि कुर्सी और सत्ता हथियाने पाने और बरकरार रखने के लिए सरकारों ने अनगिनत लोगों की बलि चढ़ाई है, और तो और इनकी कुर्सी के पावे भी लाशों के ढेर में ही खड़े हुए नजर आते रहे हैं। लेकिन यह जो सरकार है इसकी हठधर्मिता का किस्सा भी सदियों तक गाया और रोया जाएगा। मुश्किल है इसकी आवाज़ कुंडल वाले कानों तक पहुँचे। नीरज की मौत पर शिक्षक समूह में आक्रोश है। अध्यापक की पत्नी को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी और चुनावी ड्यूटी में भेंट चढ़ने पर सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग रखी गई है। उम्मीद है योगी सरकार जल्दी ही इस दुखी परिवार की मांगे मानकर जख्मों पर मरहम लगाएंगे। ऐसा ना हुआ तो इसके अलावा यूपी के अनगिनत शिक्षकों की मौत और उसके परिणाम के लिए योगी खुद जिम्मेदारी उठाएंगे। झंझवार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।